So students, in the last video we discussed what is electric field due to dipole, electric dipole. Students, आज हम पढ़ेंगे electric field at an axial point. तो बच्चे सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाता हूँ मैं. देखो बच्चों, ये है हमारा डाइपोल. दिस इज़ अवर डाइपोल. क्यों डाइपोल है? बिकॉज वन इज़ माइनस क्यू, सेकेंड इज़ प्लस क्यू एंड दे आर सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस 2a. तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस इज़ ए डाइपोल. उसके बाद डाइपोल मूवमेंट. तो डाइपोल मूवमेंट p होता है बेटा. इसकी डायरेक्शन आपको मैंने बता दी थी, ये माइनस टू प्लस होती है. उसके बाद कोई भी पॉइंट हमने p, देखो बेटा एक्सियल पॉइंट कौन सा होगा? एक्सियल पॉइंट ये जो आपकी एक्सिस है, ये पूरी लाइन इसकी एक्सिस है, डाइपोल की एक्सिस है. इस लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट मान लोगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो वो पॉइंट कौन सा होगा? एक्सियल पॉइंट. तो p हमारा कौन सा है? एक्सियल पॉइंट. तो बच्चे इसके लिए हमने एक पॉइंट मान लिया p, जो कि देखो o इज़ द मिड पॉइंट. ये वाला o जो है इट इज़ मिड पॉइंट. तो मिड पॉइंट से ये कितने डिस्टेंस पे है? इट इज़ एट r डिस्टेंस. तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसका प्लस q से डिस्टेंस निकालना चाहें तो प्लस q से इसका डिस्टेंस कितना होगा? इसका डिस्टेंस होगा बेटा r माइनस a, ठीक है. और माइनस q से इसका डिस्टेंस होगा r प्लस a. तो ये डिस्टेंस आपने याद रखनी है बेटा. तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल और p के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है. तो कैसे ढूंढेंगे बेटा? देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो बच्चे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढेंगे किसके कारण? माइनस क्यू चार्ज के कारण. तो बच्चों आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? E इज इक्वल टू 1/4πε0q/r². यहाँ पे ये जो q है दिस इज द सोर्स चार्ज. तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा सोर्स चार्ज और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये फॉर्मूला लगा दिया हमने. यहाँ पे r जो है वो है डिस्टेंस होता है, जो पॉइंट हमने माना है p उसका डिस्टेंस किससे? माइनस क्यू चार्ज से. तो अभी बताया था मैंने वो कितना है, r प्लस a. तो इस तरीके से फॉर्मूला लगा के मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ ली. उसके बाद ये है माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p. नाउ वी विल फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट p. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सेकेंड उसका फॉर्मूला लगा के वो वैल्यू निकाल ली. यहाँ पे r की वैल्यू अगर आप देखोगे तो हमने अभी बताई थी आपको कि r की वैल्यू क्या है. यहाँ पे डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस हमने कितना लेना है? r माइनस a. तो यहाँ पे हमने वही डिस्टेंस लिया है बच्चों. उसके बाद टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, रिजल्टेंट? तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, वी नो दैट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी दैट विल बी दी समेशन. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लस कर देंगे और इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सियल पॉइंट के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी रिजल्टेंट वो निकाल लेंगे. तो हमने क्या करना है बेटा, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू को प्लस कर देना है. यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है? उसका कारण है क्योंकि हमारा जो यहाँ पे माइनस था, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो वही माइनस वहाँ पे जाके लग गया. और वैल्यूज़ जो आपने पर देनी है बच्चे, उसके बाद इसका एलसीएम ले लो. एलसीएम लेके ये आ जाएगा r माइनस a होल स्क्वायर, ठीक है. तो ये आपका बन गया, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा
आर प्लस ए होल स्क्वायर आर माइनस ए होल स्क्वायर और वी कैन से इसका पूरे का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया बच्चे, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आ गया, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बच्चों ऊपर फोर ए आर क्यों आया है, ये आया है बेटा क्योंकि हमने एलसीएम लिया था, तो इस तरफ क्या आना है, आर प्लस ए होल स्क्वायर, इस तरफ क्या आना है यहाँ पे आर माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, देन यू विल गेट फोर ए आर। उसके बाद बच्चों आपने ये सॉल्व करके यहाँ पे ये इक्वेशन बना लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको बेटा पता है दैट व्हाट इज टू पी क्यू टू ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्यू, ठीक है, इसको हम जैसे ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, ये क्यू फोर को हम लिख सकते हैं टू टू ए आर को ऐसे रहने दो, और इस टू को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद बच्चे यहाँ पे ये आ गया क्यू टू ए। ये क्यू टू ए क्या होता है, वी नो दैट दिस इज डाइपोल मोमेंट P, तो क्यू टू ए की जगह पे क्या आ जाएगा P, तो ये क्या बन जाएगा टू पी आर। तो वही यहाँ पे हमने भरा हुआ है बच्चे। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया, ये हमारा फाइनल इक्वेशन है फॉर द एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द फाइनल इक्वेशन। यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो आर क्यूब है और ऊपर 2p है। ठीक है, और ये इक्वेशन बना कैसे, इसमें हमने मान लिया बच्चे कि हमारा जो r है, मतलब r क्या है, डाइपोल से p पॉइंट का डिस्टेंस। अगर हम उस p पॉइंट को बहुत ज़्यादा दूर मान लें तो हमारा जो r की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इसके कारण बच्चे हमारा जो r है दैट विल बिकम वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू a। तो हम ए को बेटा निगलेक्ट कर सकते हैं, तो इस तरीके से हमने ए को इस इक्वेशन में निगलेक्ट कर दिया। निगलेक्ट करते ही हमारे नीचे क्या बन गया, आर स्क्वेयर माइनस ज़ीरो होल स्क्वेयर। ठीक है, और ज़ीरो हट ही जाएगा क्योंकि माइनस ज़ीरो कुछ नहीं होता, और ये टू टू फोर बन जाएगा आर फोर। सो इन दिस वे यू विल गेट दिस इक्वेशन। तो ये है बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पॉइंट। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट। थैंक्स फॉर अटेंडिंग क्लास।